जनसभा जयपुर में हो रही है और पूरे राजस्थान से लोग आ रहे हैं, आप कहाँ से आए सर? सतारशहर से, जिला चूरू। क्या बोलना चाहेंगे आप मोदी जी की रैली? माननीय प्रधानमंत्री जी आज जयपुर आ रहे हैं राजस्थान के दौरे पर, तो राजस्थान की जनता और सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी में बहुत जोश है और आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ पे जो गहलोत सरकार है वो रिपीट नहीं डिलीट होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। हम राजस्थान के दक्षिणांचल 600 किलोमीटर दूर से बांसवाड़ा से हम यहाँ पर सैकड़ों संख्या में हम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने जो लूट मचा रखी है, इस लूट का परिवर्तन बनाने का मन जो हमारे प्रदेश की जनता ने मनाया है उसको साकार करने के लिए हम सब लोग राजस्थान के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हैं। उदयपुर में सुनने में बीजेपी बाप पार्टी भी बनाई जा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? उदयपुर डिवीज़न में हमारे कुछ आदिवासी क्षेत्रों में जो जनजातीय आरक्षित सीटें हैं वहाँ पर भारतीय आदिवासी पार्टी नाम की नई पार्टी बनी है, लेकिन ये पार्टी पूर्व में हमारी भारतीय ट्राइबल पार्टी वहाँ की जो बनी हुई थी उसी पार्टी के दो टुकड़े हो चुके हैं और हम देखने वाले हैं कि भविष्य में ये दोनों लड़ेंगे तो ये पूरी तरह से गायब होने वाले हैं ये वहाँ से। तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी का वोटर कोर वोटर है जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार जुड़ा हुआ है, वो किसी छोटे मोटे स्थानीय मुद्दों पे भटकने वाला नहीं है। हमारा देश मोदी जी जनसभा कर रहे हैं आज जयपुर में और पूरे राजस्थान में, उसका क्या फर्क पड़ने वाला है 200 विधानसभा सीटों पर? क्या लगता है आपको, क्या बनेगा इस बार? आज मोदी जी महासभा करने के बाद राजस्थान की 200 में से 180 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, ऐसा माहौल तैयार होने वाला। रिकॉर्ड बनाने वाले हो आप लोग? रिकॉर्ड बिल्कुल, पक्का पक्का पक्का। क्योंकि कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम भी बहुमत से आने वाले हैं। कांग्रेस ने सिर्फ झूठे वादे किए हैं, न कर्जा माफी की, न बेरोजगारों को भत्ता दिया है, सस्ता मोबाइल दे के लोगों को, महिलाओं को बहलाने फुसलाने का काम कर रही है जिससे जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। आज हमारे साथ हैं सीआर चौधरी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री। सर आप बताएं, आज जयपुर में मोदी जी आ रहे हैं और इतनी जनसंख्या आ रही है, इतने फैन फॉलोइंग हैं उनके, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी को सुनने के लिए पूरे प्रदेश भर से आम आदमी आ रहा है और ये है परिवर्तन की आंधी और तूफान है। अभी हम लोगों ने 4 जगहों से परिवर्तन यात्राएं राजस्थान में निकाली, 200 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर किया। आज हमारी ये परिवर्तन यात्रा को हम कहेंगे ये महायात्रा है, यानी महासभा हो रही है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी और इस उपलक्ष्य में ये आपके परिवर्तन यात्रा भी इसकी समापन है। बिल्कुल, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय हमारे आदर्श हैं सबके और एक विचारक थे और आज उनकी जयंती, उनका जन्म धानक्या में हुआ था, इस कारण से प्रधानमंत्री जी उनकी जन्मस्थली पे पहले जाएंगे और उस धानक्या से फिर वापिस जाएंगे। धन्यवाद।